दोस्तों, फोन चोरी होने के बाद बेसिकली यहाँ पर बहुत से क्या करते हैं, यहाँ पर हड़बड़ा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि यार मेरा फोन तो चोरी हो गया, अब मैं तो क्या करूँ। पैनिक नहीं होना है दोस्तों, आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स है जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपका फोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे यहाँ पर वीडियो को देख रहे होंगे जो बोलते होंगे कि यार मेरे को फोन चोरी हो गया, अब मुझे क्या करना, नया ले लूंगा। मान सकता हूँ आपके पास यहाँ पर पैसा होगा, आप नया ले लोगे, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, आपके फोन से अगर वो कुछ गलत काम करता है तो पुलिस या जो भी आपको पकड़ने आएंगे वो कौन किसको पकड़ेगा, आप ही को पकड़ेगा, सब कुछ आपके ही तो नाम से रजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ पर प्लीज ये स्टेप तो फॉलो जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पर जो आपका डाटा है ना, वो यहाँ पर सेफ हो जाएगा और आपके यहाँ पर आपको कोई भी मिस यूज नहीं कर पाएगा आपके फोन का, सिम का, सारी चीजों का। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, काफी काम करने वाली ये वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों, नंबर वन स्टेप क्या होना है, आपको यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर शांति से सोचना है कि आप कहाँ कहाँ गए थे, जहाँ जहाँ भी गए थे ना आप, एक बार वहाँ पर जाकर आइए। वहाँ पर भी आपका फ़ोन नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन पर रिंग करो। रिंग करने पर अगर घंटी जा रही है तो बेसिकली आपका फ़ोन कहीं गिर चुका है, किसी के हाथ नहीं आया है अभी तक, ठीक है। अगर आप रिंग कर रहे हो और वहाँ यहाँ पर स्विच ऑफ बता रहा है या आउट ऑफ रीच बता रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है यहाँ पर, तो बेसिकली आपका फ़ोन चोरी हो चुका है। आप क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पर आपको जैसे ही स्विच ऑफ आया या सारी चीज़ें, आपको थोड़ा सा वेट करना है, अगर फिर भी चालू हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आपको अपनी सिम को ब्लॉक करवाना है। आपकी सिम को ब्लॉक कराने के लिए आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हो या फिर अपने नियरेस्ट स्टोर पर जा सकते हो, जिस भी ऑपरेटर का आपका सिम है। बेसिकली आप सोचोगे सिम को क्यों कराऊं, पहले मैं यहाँ पर फोन सारी चीज़ें करूँ, नहीं, आपकी सिम से ही मिसयूज होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सिम का जो मोबाइल नंबर है वो आपको बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी चीज़ें वहाँ पर मैसेज आता है, OTP आता है, FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, सारी चीज़ें यहाँ पर उसी से चलती है। तो दोस्तों, इसी वजह से आप यहाँ पर सबसे पहले मेन अपना अकाउंट जो है ना मोबाइल नंबर का, वो यहाँ पर डिसेबल कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए और कस्टमर केयर पर कॉल करके, जिससे क्या होगा कि आपका फ़ोन का यहाँ पर वो मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, सिम का भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में आपको, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड था तो आपको गूगल का ये जो ऑफिशियल है फाइंड माई डिवाइस, इसको यहाँ पर एक्टिवेट करके आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर फाइंड माई डिवाइस लॉगिन जाना है, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन था तो यहाँ पर फाइंड माई आईफोन जाकर आपको यहाँ पर लॉगिन जाना है और यहाँ पर अपने दोनों ही अकाउंट में, आईफोन का तो आई क्लाउड अकाउंट और एंड्रॉयड का तो आपको जीमेल अकाउंट से, आपको जो भी अकाउंट था ना वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद बेसिकली आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएंगे, जहाँ पर आपको शो करेगा कि आप यहाँ पर अपने डाटा को इरेज कर सकते हो। बेसिकली आपका जो भी मोबाइल में डाटा है वो बेसिकली इरेज हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में लॉक नहीं था तो आप यहाँ पर से लॉक भी लगा सकते हो और आप बेसिकली आप यहाँ पर रिंग कर सकते हो, अपने फ़ोन को यहाँ पर रिंग बजेगी आसपास, अगर आपके पास होगा तो आपको उसे मिल भी जाएगा। अगर फिर भी ये नहीं होता है, आपको नहीं मिलता है, तो बेसिकली आप अपने मोबाइल के पूरा डाटा को इरेज कर दीजिए, लॉक लगा दीजिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पर पूरी प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हो चुका है स्टेप। और अगला स्टेप है दोस्तों, बेसिकली आप यार कुछ तो कर नहीं सकते ना, छोड़ो यार, अब क्या होना है कि आपको IMEI नंबर को भी ब्लॉक करवाना है। वो कैसे, यहाँ पर आपको दोस्तों, यहाँ पर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट दी गई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जिसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, CEIR.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आप इस वेबसाइट पर जाओगे, आप अपना IMEI नंबर ब्लॉक करा सकते हो। इस वेबसाइट पर जाने के पहले आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है, जहाँ पर वो एरिया आता है, उस एरिया के वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाना है। वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करके देगा, रिपोर्ट की एक कॉपी होगी, वो कॉपी यहाँ पर अपलोड होगी। तो बेसिकली आपको रिपोर्ट करवा के यहाँ पर वो कॉपी घर पर लेकर आनी है। तो कॉपी लाने के बाद आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट पर जाना है। जैसे जाओगे आपको यहाँ पर ब्लॉक स्टोलन फोन लिखा हुआ आएगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। आपको वहाँ पर अपनी डिटेल पूरी की पूरी यहाँ पर फिल कर देनी है, FIR की कॉपी ये डाल देनी है, अपना ID प्रूफ जो भी मांगे यहाँ पर आपको डाल देना है। बेसिकली यहाँ पर वो रजिस्टर्ड हो चुका है, आपका IMEI नंबर ब्लॉक हो चुका है। आपको कोई भी सिम लगाएगा वो यहाँ पर आपके फ़ोन में, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, उसके लिए डब्बा है, डब्बा है, डब्बा अंकल का TV डब्बा, वो सुना है ना गाना, वही यहाँ पर, वही एक तरह से उसका फ़ोन भी यहाँ पर डब्बा हो जाएगा, एक तरह से TV की तरह, ठीक है, देखा जाए तो। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना स्टेटस भी चेक करते रहना है। अगर कहीं ना कहीं फिर आपको फ़ोन मिल जाता है तो आपको IMEI नंबर कैसे अनब्लॉक करना है, ये भी तो बताओ ना यार। तो आपको IMEI नंबर ब्लॉक करने के लिए वापस इसी वेबसाइट पर आना है। आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख जाएगा पास में ही, जस्ट पास में, अनब्लॉक योर स्टोलन फोन, यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा उस पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल डालनी है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालकर
आपको यहाँ पर आपका फ़ोन अनब्लॉक हो जाएगा। अनब्लॉक होने के बाद आप यहाँ पर अपना पूरा का पूरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, वही बेसिकली पहले की तरह। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों आपके लिए। आशा रखता हूँ आपको यहाँ पर ये सभी स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो इन स्टेप्स को फॉलो ज़रूर कीजिए, आपका यहाँ पर फ़ोन मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।